आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि सीआईएसएफ द्वारा अगर राज्य के एक अस्पताल को सुरक्षा देने की जरूरत आ पड़ी है तो ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रशासन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हम इस सिद्धांत को स्वागत करते हैं और सीआईएसएफ द्वारा अगर राज्य की एक हॉस्पिटल को अगर सुरक्षा देने की जरूरत आ पड़ी है तो ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस प्रशासन के ऊपर, इस पुलिस के ऊपर 0% विश्वास नहीं है। अगर एपेक्स कोर्ट का, भारत की सबसे बड़े अदालत का, अगर पश्चिम बंगाल की प्रशासन के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है इसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पहले तो सीपी को कंपल्सरी वेटिंग में भेजना चाहिए और उसके बाद ममता बनर्जी यानी पुलिस मंत्री को, होम मिनिस्टर जो हमारे स्टेट के है उनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। सीबीआई को भी इंक्वायरी का रिपोर्ट देना चाहिए, लेकिन जो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि जितना डिले हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी होने से पहले हम बोले हैं कि जितना डिले हो रहा है इंक्वायरी में, इससे जो प्रूफ है, इस प्रूफ को क्षतिग्रस्त होने की बहुत संभावना है। कितना प्रूफ सीबीआई को मिलेगा मुझे डाउट है। देखिए एसआईटी करके क्या होगा मुझे तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुआ है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि पैसे में गड़बड़ी हुई है तो दे शुड गो फॉर द ईडी इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ईडी हैज द स्पेशलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस टाइप ऑफ मनी ट्रेल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आर्थिक मामले में मनी ट्रेल कहाँ हुआ है, कहाँ तक पैसा पहुंचा है, ये जानना बहुत जरूरी। वो तो होगा, एसआईटी में 4 पुलिस के आदमी रहेंगे, 4 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे, तो आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ही तो आरोप है। ये जो घटना दबाने की कोशिश की गई इसमें किसके ऊपर आरोप है? मेन है सीपी के ऊपर, विनीत गोयल के ऊपर आरोप है। तो विनीत गोयल आईपीएस है, उसी बिरादरी के 4 लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी केस के दूसरे पहलू को लेकर, तो वही जो होना है वही होगा। देखिये कल से हम सीपी का बर्खास्तगी और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन, इन दो मुद्दों को लेकर, और जस्टिस तो है, जस्टिस तभी होगा जब जो लोग हमारे इस बहन के साथ दुष्कर्म किए हैं उनको जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक कुछ खत्म नहीं होगा, चलेगा। ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये चीजें, जस्टिस तो मूल बिंदु है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पूरा राज्य में जिस तरीके एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, somebody should take the responsibility and CM, she is our home minister as well as the health minister, so obviously उनको लेना चाहिए responsibility and she should resign।